नमस्कार, हम रउआ सबके छोट भाई मदन कुमार यादव, मदन यादव ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करी सबसे पहले गाना सुने खातिर। नमस्कार भैया, हम रउआ सबके छोट भाई मदन कुमार यादव। भैया जी सब, आप लोग से तो निवेदन हम किए थे कि जितना घर में रहिएगा उतने सुरक्षित रहिएगा। तो आप लोग इलेक्शन का जो भीड़ में आप चले जाते हैं, क्यों जाते हैं? मोदी जी बुलाते हैं, ममता बनर्जी दीदी बुलाते हैं, और सब नेता जो सब बुलाते हैं आप लोग को। आप लोग खुद अपने से मरने के लिए जाते हैं। नेता सब एक एक थाली में खाने वाले हैं। यहाँ का जनता पूर्वक है। भारत का 70-75 वर्ष आज़ादी से हो गया, मगर आज तक यहाँ का जनता नहीं सुधर पाया कि हमको कैसे चलना चाहिए। अपना कॉमन साइंस लगाओ, कॉमन साइंस। हॉस्पिटल में भर्ती करता है रोगी और रात भर में गायब हो जाता है। अपना रोगी को मांगता कि कम से कम को सब मिल जाए, बॉडी मिल जाए। डॉक्टर वो भी नहीं बॉडी देता और मारता है जिसका परिवार मरता है, उसको उल्टे मार भी लगता है। प्रशासन से कोई कटियोटा नहीं, कुछ वैल्यू देता है। गवर्नमेंट के तरफ से कुछ वैल्यू नहीं है। आज का न्यूज में हमको इतना दुख लगा कि हमको लाइव वीडियो बनाना पड़ गया। अरे आप लोग कुछ शर्म कीजिए। यहाँ को तो सरकार को लाज ही नहीं है, सब चुतिया। भारत का आदमी जो है चीटी चलते हुए पैर में पिसा जाता है, और उसे यहाँ का भारत का आदमी को जो है ना गरीब सबको पिसल देता है, डॉक्टर पिसल देता है। एक भी कोई बड़ा आदमी हॉस्पिटल गया आज तक? कभी किसी का नाम सुने हैं? टाटा बिरला सब गया है, कोई भी बड़ा आदमी हॉस्पिटल नहीं जाता है, कोई भी बड़ा आदमी रैली में नहीं जाता है। क्योंकि उनको काम से फुर्सत नहीं है। रैली में कौन आदमी जाता है? लंगा भूखा, जिसको कि कुछ नहीं। अरे तुम लोग शर्म करो भाई, शर्म। तुम लोग को तो भगवान शरीर दिया है, हाथ पैर दिया, आंख दिया है, रैली में क्यों जाता है करुणा तुम लेने के लिए? तुम अकेले जाता है रैली में, तुम रैली से आएगा करुणा लेके, तुम्हारा पूरा परिवार को करुणा होगा। जब मरेगा तो फिर बोलिएगा ऑक्सीजन नहीं मिला, तो डॉक्टर इलाज नहीं किया, तो मेरा हॉस्पिटल से लाश गायब हो गया। तो इससे बचो भाई, इससे बचो। तुम्हारे घर नहीं जाता है नेता कि तुम जाओ, चलो हमारे साथ हमारे रैली में इकट्ठा हुआ भीड़। कोई नेता आज तक बोला है किसी को कि हमारे साथ में रैली में? अगर कोई भी नेता बोलबो करता है कि हमारे रैली में आओ, तो नहीं जाओ, अपना काम करो, अपना परिवार के देखो। यार ये जो है ना, ये देश में बहुत गद्दारी चल रहा है, इसलिए देश में गरीब सब मरता है, एक भी अमीर नहीं मरता है। इसलिए सभी गरीब भैया बहनों से हाथ जोड़ कर निवेदन है कि आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, ना रैली में जाएं, ना इलेक्शन में जाएं, कुछ में न जाएं। आप भीड़ में जाइएगा नहीं देखने के लिए, तो ऐसे नेता लोग का रैली फ्लॉप हो जाएगा। जब रैली फ्लॉप हो जाएगा तो फिर अपना जहाँ से आया नेता वहाँ वापस चल जाएगा। आप लोग भीड़ लगाते हैं और नेता का भाषण सुनते हैं। यही तो 70 साल में बुद्धि हुआ यहाँ का। पहले अंग्रेज लूटा, अब यहाँ का नेता लूट रहा है गरीब सबको। कुछ शर्म करो यार। एकदम रैली में नहीं जाओ, कुछ में नहीं जाओ। नेता लोग आए जाए कोई मतलब मत रखो, रैली मत जाओ, नहीं तो तुम खुद करुणा लेके आएगा, तुम्हारा परिवार बाल बच्चा होगा और हॉस्पिटल में भर्ती होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, मरेगा। घर में रहो सुरक्षित रहो यार। हम तुम्हारा छोटा भाई बोल रहे हैं, मदन कुमार यादव। अगर हमारे पास अगर कुछ रहता तो हम जरूर आप लोग को हेल्प करते, जैसे आप गरीब हैं उसे हम भी गरीब हैं। मगर आप लोग को लाइव वीडियो के माध्यम से आप लोग को बता रहे हैं, आप लोग का दिमाग खोल रहे हैं कि आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, एकदम रैली में मत जाइए। क्योंकि नेता सब मौसेरा भाई है, जीतने के बाद सब एक कुर्सी पे बैठता है, एक कुर्सी पे खाता है, एक जगह हकता है। इसलिए अपना घर में रहिए, सुरक्षित रहिए जब तक करोना है। रैली में एकदम मत जाइए, कहीं मत जाइए। एकदम काम है, जरूरी काम है तो निकलिए, नहीं तो नहीं निकलिए। हाँ, काम करने के लिए जाइए। कोई सरकार मादरचोद आप लोग को खाने नहीं देगा, कोई सरकार पीने नहीं देगा। इसलिए खाने के लिए अपना रोटी दो वक्त को जुटाने के लिए अपना काम कीजिए, मगर रैली मत जाइए। आप लोग से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, रैली में कभी मत जाइए, कसम खा लीजिए। ना रैली में नेता साथ के जाइएगा,
ना कुछ होगा। नेता कभी मरता है? आज तक देखे नेता मरता है, आम आदमी मरता है, नेता कभी मरता है? आम आदमी मरता है रैली में, नेता तो अपना मंच पे रहता है, पूरा बॉडीगार्ड के साथ रहता है। कभी आज तक नेता को हुआ कि हाँ हमारे रैली में जितना आदमी आया सबको सुरक्षा दे? कभी नेता ऐसा नहीं करता है। भगदड़ होता तो आम आदमी मरता है। तो इसलिए इससे बचो भाई, 70 साल में कुछ भी बुद्धि लाओ, थोड़ा मोड़ा ही बुद्धि लाओ भाई, और अपना सुरक्षित रहो, स्वस्थ रहो, घर में रहो, अच्छा रहेगा। कम से कम घर से निकलो, मास्क लगा के रहो भाई। चलो फिर लाइव वीडियो आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।